हेलो गाइस, ये एपिसोड इस तरह से स्टार्ट होती है कि जिन उस मीटिंग में गई हुई थी वहाँ पर कुछ भी फॉर्मल नहीं लग रहा था, बल्कि मिस्टर शु बहुत रंगीन मिजाज का लगता था। वो वहाँ पर लंच कर रहे थे और साथ साथ जैसे ही वो काम की बात करने की कोई कोशिश करती थी तो वो बात को इधर उधर घुमा कर ले जाते थे। लगता था कि वो काम से ज्यादा सुंदर लड़कियों की कंपनी में रहना ही पसंद करते हैं। वो यहाँ पर बहाने बहाने से जिन से काफी फ्लर्ट करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत सारी मेरी लाइव स्ट्रीमर से ज्यादा सुंदर हो, तुम क्यों नहीं इस तरह का काम स्टार्ट कर देती। और फिर उसके बाद वो उसके बहुत क्लोज आकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि जरा मुझे अपने हाथ की लकीरें तो चेक करो, और उससे कहने लगते हैं जरा हाथ की लकीरें तो चेक कराओ, क्या पता तुम एक दिन फेमस बनने वाली हो। एक्चुअली वो इस तरह से उसे बहाने बहाने से छू रहे थे। इतने में एक वेटर आता है और उनके ऊपर ड्रिंक गिरा कर वहाँ से निकलने की करता है। वो वेटर कोई और नहीं बल्कि ग्वांगशी था, जो कि अपना काम तो जल्दी खत्म करके अब अपनी गर्लफ्रेंड की सुरक्षा के लिए वहाँ पहुँचा हुआ था। उसने जब मिस्टर कॉन्ग को उसके साथ जाते हुए देखा था तो उसने तभी स्मेल कर लिया था कि कुछ तो फिशी है। अब मिस्टर शु फिर भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया था। वो जान जान के यिन के क्लोज होता है और फिर इन दी एंड उससे कहता है कि पूरा एक पॉट ड्रिंक का तुम मेरे साथ खत्म करो तो मैं तुम्हारे साथ कोलैबोरेट करने को रेडी हो जाऊंगा। लेकिन वो ड्रिंक उसी के ही मुंह पर गिरा देती है और कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करना। अब कॉन्ग उसके पीछे पीछे आता है और उसे समझाता है कि तुमने क्या हरकत करी है, लेकिन यिन का कहना था जो मैं करके आई हूँ उसके कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए भी रेडी हूँ। अब वो बाहर निकल आती है और ग्वांगशी उसे इस तरह से बाहर आता देख बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली उन मीन लोगों के चुंगल से मेरी गर्लफ्रेंड सेफ एंड साउंड बाहर निकल आई है। अब ऑफिशियल ट्रिप तो उनका नाकाम ही रहा था, तो उसके बाद वो दोनों उस शहर की सैर पर निकल जाते हैं। वो शहर समुद्र किनारे था और बहुत ज्यादा सुंदर था। यहाँ पर ग्वांगशी उसे वहाँ की स्पेशलिटी श्रिम्प्स भी खिलाता है अपने हाथों से पील करके, और उसके साथ होते हुए जिन्हें एक दफा तो अपने काम की टेंशन भुला ही चुकी थी। जबकि उधर यिरान का आमना सामना एक दफा एलिवेटर में दोबारा से याओ से होता है। याओ तो अपने इन्वेस्टर के भाग जाने और गुस्सा करने पर पहले ही शौक में था। यिरान की बातें उसके सर से गुजर जाती हैं। वो दोबारा से उसे भाषण देता हुआ वहां से निकल जाता है। यिरान सोचती है कि वो पहला इंसान है जिसमें गट से मुझे लेक्चर देने के। जबकि दूसरी तरफ यिन को दिखाते हैं वो बीच पर दो सी शेल्स तलाश करती है, और फिर ग्वांगशी को दिखाती है कि ये दोनों शायद मैं और तुम हैं, और ग्वांगशी भी उसे उसके प्यार की निशानी समझकर पहला गिफ्ट समझकर अपने पास ही रख लेता है। यिन उससे कहने लगती है कि यहाँ पर सब कुछ कितना काम है और बिल्कुल एक सपना लग रहा है कि जिस तरह से टेंशन फ्री होकर मैं तुम्हारे साथ फिर रही हूँ, काश ये सपना कभी खत्म ना हो। ग्वांगशी भी कहता है कि मुझे पता है एक रिग्रेट है, तुमने मेरा हाथ पहले पकड़ा, काश मैं पकड़ लेता, मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में देर ना लगाता। और फिर उसके बाद उससे कोक का एक सिप मांगने लगता है। वो जैसे ही मुड़ती है तो उसे किस कर लेता है, और अब फाइनली उनकी फर्स्ट किस हो चुकी थी। और अब वो दोनों अपनी छुट्टी बहुत मजे से गुजारते हैं। जब वो छुट्टी से वापस आती है तो उसका सीईओ बहुत गुस्से में था, कहता है कि मिस्टर शु ने हमें एक लेटर भेजा है, इसकी क्या वजह है कि उन्होंने कोलैबोरेशन से इनकार किया है। यहाँ पर कॉन्ग सारा का सारा इल्जाम यिन पर डालना चाहता था, लेकिन यिन का कहना था कि इसके साथ काम करके हमें कोई फायदा नहीं होने वाला था, इसलिए मैंने बेटर ऑप्शंस तलाश करके रखे हैं। उसने दो तीन और इन्वेस्टर्स भी प्लान बी के तौर पर तलाश करके रखे हुए थे, और वही वो अपने सीईओ को दिखाती है। सीईओ ने उसे एक लास्ट चांस दिया था और बोला था कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन्वेस्टर कौन हो, बस मैं ये चाहता हूँ कि मुझे रिजल्ट अच्छे मिले। जबकि उधर शाया भी आज ऑफिस में आ जाती है, उसका फर्स्ट डे था। उन्होंने दो लाइव स्ट्रीमर्स हायर की थी जिसमें से एक शाया भी थी। अब थोड़ी देर बाद ग्वांगशी आता है यिन के ऑफिस में, लेकिन वहाँ पर आगे उसे यिरान नजर आती है। वो यिरान को कुछ खाना वगैरह देकर चला जाता है और कहता है कि आंटी लान ने भेजा है, प्लीज यिन को दे देना। वो जल्दी में था तो निकल जाता है, जबकि यिन वो ऊपर छत पर परेशान खड़ी हुई थी। उसे नहीं अंदाजा था कि उसका डिपार्टमेंट सक्सेसफुल काम करेगा कि नहीं। इतने में उसके पास यिरान आ जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम परेशान ना हो, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ उसे वही पैकेट देती है जो कि उसके लिए ग्वांगशी छोड़ के गया था। उसमें वाकई खाना था जो कि आंटी लान ने उसके लिए बनाकर भेजा था, लेकिन उस खाने के नीचे उसने कुछ छुपा कर भी रखा हुआ था, जो कि जिरान के चले जाने के बाद जिन खोलती है तो उसे पता चलता है कि वही सीशल उसका उसने उसे एक ब्रेसलेट बना कर दे दिया है।
दूसरी तरफ ग्वांगशी बेचारा वो अपनी कंपनी में बैठा हुआ था कि इसके सारे कोलीग्स बहुत परेशान हो जाते हैं, ना तो उन्हें अभी तक सैलरी मिली थी और इसके साथ साथ उनकी इलेक्ट्रिसिटी भी काट दी गई थी बिल ना पे करने की वजह से। उनकी कंपनी बहुत क्राइसिस से गुजर रही थी और उसी टाइम पर याओ मिस्टर शी से दोबारा मिलने के लिए गया हुआ था। वो किसी भी हालत में उनसे मिलना चाहता था और उन्हें मनाना चाहता था कि वो उनके इन्वेस्टर बन जाएं। लेकिन मिस्टर शी उसकी सारी बातें तो सुन लेते हैं लेकिन इन दी एंड उसे अपने सामने बो करने पर मजबूर करते हैं। याओ ये भी करने को रेडी हो जाता है और उसके बाद फिर भी वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करते बल्कि फेंक कर चले जाते हैं। ग्वांगशी भी याओ को तलाश करता हुआ वहां पर आ गया था, उसने ये सब देख लिया था। वो मिस्टर शी को रोकता है और उसे अपने करेक्टर्स की स्पेशलिटी और अपनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी के साथ इंस्पायर करने की कोशिश करता है। उसने काफी हद तक मिस्टर शी को मना लिया था। वो कहते हैं ठीक है, एक हफ्ते बाद तुम लोग एक अपडेटेड वर्जन के साथ मेरे पास पहुंचो, फिर मैं सोचूंगा कि तुम लोगों के साथ क्या करना है। ग्वांगशी अब याओ से कहता है कि मैं समझ गया कि तुम कितनी परेशानी में हो। जब कोई बिजनेस नया नया स्टार्ट करता है तो बिल्कुल ऐसा होता है। और साथ ही साथ उसे तसल्ली देता है कि हमारी टीम ये सारा काम खत्म करने में कामयाब हो जाएगी। और वो ये भी बोलता है कि मेरे हिस्से का शेयर, मेरी सैलरी तुम इस महीने रहने देना, मैं फ्री में काम करूंगा। अब याओ जैसे ही घर पहुंचता है तो उसके छोटे से बेटे ने भी डैड के बैग में से निकाल कर वही परफ्यूम खोला हुआ था और अब लग रहा था कि यहाँ पर भी कोई रेस्क्यू मिशन करना पड़ेगा। पता नहीं वो बच्चा जिंदा कैसे बचा था। वो अपने डैड से पूछता है कि इतना गंदा परफ्यूम आपने अभी तक फेंका क्यों नहीं। लेकिन याओ कहता है बहुत साल गुजर गए, किसी ने मुझे पहली दफा कोई गिफ्ट दिया है, इसलिए रखना तो पड़ेगा ना। अब बेटे को भी काफी शक हो गया था कि कहीं मेरे डैड आप कहीं कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं तलाश कर रहे। और याओ ऑफ कोर्स उसकी बात का कोई जवाब नहीं देता बल्कि उसे टाल देता है। जबकि उधर हमें दिखाते हैं कि ग्वांगशी जिन को भी अपनी परेशानी बताता है कि किस तरह से मेरी कंपनी इस वक्त फाइनेंशियली सफर कर रही है और इस महीने मुझे सैलरी भी नहीं मिलेगी। लेकिन जिन बोलती है तुम टेंशन क्यों लेते हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तो ग्वांगशी कहता है अब तुमने देख लिया है कि मैं अपसेट हूं तो फिर मुझे रिचार्ज भी करो। वो उसे अपना हाथ पकड़ाती है और उसके बाद वो अपनी बैटरी फुल करने के लिए उसे पिगी बैग कैरी कर लेता है और कहता है कि अब मैं फुली रिचार्ज हो चुका हूँ। और फिर उसके बाद नेक्स्ट डे जब याओ अपने ऑफिस में आता है तो सारी टीम उसकी हेल्प करने के लिए रेडी खड़ी हुई थी। लेकिन फिर भी उसने कहीं ना कहीं से पैसों का जुगाड़ कर लिया था और उनकी इलेक्ट्रिसिटी भी वापस आ गई थी और सबको सैलरी भी मिलेगी। और फिर डिनर के टाइम पर हमें आंटी लान और डैड को दिखाते हैं। डैड सोच रहे थे कि आज सब कुछ कितना लोनली सा लग रहा है, ना जीबू है और ना ही हमारे साथ हमारी बेटी जिन बैठी हुई है। मम्मी समझाती हैं कि बच्चे बड़े हो गए हैं, वैसे भी इन्होंने मूव आउट कर जाना है, एंड पर तो मैं आपके साथ ही रहूंगी। लेकिन डैड को इतना बोरिंग लग रहा था कि वो कहते हैं खाना खत्म करने के बाद मैं अब वॉक पर जा रहा हूँ। जबकि उसी टाइम पर यिन ग्वांगशी को मैसेज करती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें डिनर कराऊंगी। ग्वांगशी भी अपने प्रपोजल का सारा काम आज खत्म कर चुका था तो वो खुशी खुशी उसके साथ गाड़ी में आकर बैठ जाता है। वो दोनों अभी डिनर करने के लिए कहीं अच्छी जगह पर जा रहे थे कि इतने में यिन को कॉल आती अपने डैड की, जिनको वो बोल रही थी कि डैड आज मैं ओवर टाइम कर रही हूँ। लेकिन डैड कहते कहाँ कर रही हो, यहाँ तुम्हारी कंपनी में तो कोई भी नहीं है इस वक्त। एक्चुअली वो उसके ऑफिस में पहुंचे हुए थे। अब क्या डैड उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लेंगे और उनका रिलेशनशिप सीक्रेट नहीं रहेगा, ये देखने के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।